लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दो दिवसीय प्रवास पर कोटा में हैं। कोटा के शक्तिनगर स्थित अपने आवास पर लोकसभा अध्यक्ष ने कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के लोगों की जन समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ने कहा कि कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में पर्यटन को लेकर अभूतपूर्व संभावनाएं हैं। क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है। कोटा बूंदी लोकसभा मेरा संसदीय क्षेत्र है। जब भी मैं मेरे संसदीय क्षेत्र पर आता हूँ तो जनसुनवाई भी करता हूँ, जनसंवाद भी करता हूँ, लोगों से चर्चा भी करता हूँ, मुलाकात करता हूँ, ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का समाधान कर सके, उनको न्याय मिल सके। उन्होंने कोटा शहर के डखनिया स्टेशन और कोटा शहर के मुख्य स्टेशन को सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित करने की बात भी कही। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए रेल मंत्रालय की ओर से स्वीकृति भी मिल चुकी है। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इसके बाद पूरे राजस्थान में रेल नेटवर्क सुदृढ़ होगा। कोटा स्टेशन और डकनिया का सैटेलाइट रेलवे स्टेशन दोनों की सिद्धांत रूप से स्वीकृति आ चुकी है। हम कोशिश करेंगे कोटा रेलवे स्टेशन को यात्रियों की सुविधा के अनुसार बेहतरीन स्टेशन बनाएं, जहां पर यात्राएं करने वाले लोगों को सुरक्षित जगह बैठने की व्यवस्था हो सके, पीने के पानी हो सके, शौचालय हो सके, सुरक्षित यात्रा हो सके, क्योंकि डकनिया रेलवे स्टेशन कोटा के नए रेलवे स्टेशन के रूप में डेवलप होगा और उसकी सिद्धांत रूप से स्वीकृत होगी, उसका भी काम चलेगा, ताकि जो नए कोटा के लोगों को जो 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था वहाँ पर डकनिया रेलवे स्टेशन यात्री सुविधाएँ मिल सके, नज़दीक लोगों को यात्री सुविधाएं मिले, इसके लिए एक व्यापक कार्य योजना कोटा रेलवे स्टेशन की और तमाम रेलवे स्टेशन जो संसदीय क्षेत्र में आते हैं उनकी भी चर्चा की। राजस्थान के सभी सांसदों को बुलाकर भी माननीय मंत्रियों से चर्चा की कि वह राजस्थान का किस तरीके से रेल की दृष्टि से विकास कर सकते हैं, इसकी संभावनाओं पर भी सभी सांसदों ने अपने अपने सुझाव रखे। उन सुझावों के आधार पर मंत्री जी ने आश्वस्त किया कि हम इस रेल को राजस्थान में बेहतर बनाने का काम करें। साथ ही उन्होंने बताया कि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में अब जल और जंगल दोनों की सफारी होगी। जहाजरानी मंत्रालय के मंत्री से दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने चंबल नदी में क्रूज बोट पर्यटकों के लिए चलाने के लिए बात की है। जहाजरानी मंत्रालय के मंत्री जी को मैंने बुला के कहा कि कोटा एक चंबल नदी है जहाँ पर पर्यटन की बहुत संभावना है। मैं शुरू से एक बात कहता हूँ कि जंगल और जल दो की सफारी केवल हाड़ौती क्षेत्र में यही हो सकती है, इसलिए उस संभावनाओं को देखने के लिए अधिकारियों के एक दल को मैंने भेजा था। अब वो दल आज मुझसे चर्चा करेगा और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक क्रू चल सके, ताकि हम इस चंबल नदी का उपयोग भी पर्यटन की दृष्टि से कर सकें। लोकसभा अध्यक्ष के मुताबिक चंबल नदी में पर्यटकों के लिए क्रूज बोट जल्द ही चलाई जाएगी। साथ ही मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में और बाघों को शिफ्ट किया जाएगा। कोटा शहर के नए हवाई अड्डों को लेकर भी क्षेत्रीय सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नए हवाई अड्डे को भी विकसित करने के लिए कार्यवाही तेज गति से चल रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा के दो दिवसीय प्रवास पर हैं। आज और रविवार को लोकसभा अध्यक्ष विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे।